डोनट्स कैडो पाहायला भेटतात, त्यातील एक एक डीप पेडिकेट रिजनला तर एक लॉन्गॉन रिजनला पाहायला भेटतो, अशी ही दोन क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला भेटतात. आदले सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी त्याला पुरस्कार प्रदान होते. सुधीर पद्धतीचा फटका पहिल्या चेंडूवर झालंय स्वागत राजेशचं षटकर्णीशी आणि 6 धावा धावपळकावर पॉवर प्लेच्या षटकाची सुरुवात ही षटकर्णीशी होताना पाहायला भेटते. साधवा धावपलकावर उर्जा 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. पाहूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये कशी रीती फलंदाजी होते. चांगली फलंदाजी आतापासून सुरुवात चांगली केली आहे आपल्या संघासाठी. षटकातला दुसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. आडवेटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चांगली दिशा दिली आहे थर्डमॅन रिजनला. कॅपमध्ये फटका, चेंडू थांबणार नाही आहे. चेंडू ट्रबल होतोय, तो 4 धावांसाठी बॅक टू बॅक केलाय आक्रमण, अटॅक केलाय मैदानावर आणि सांघिक धावसंख्या मात्र निश्चित रूपाने परावर्तित होते. ती आंतरराष्ट्रीय खेळाडू क्रिकेटचा देव या नावाने ज्याची ख्याती कृती पूर्ण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये तोच सचिन तेंडुलकर याच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 10 धावसंख्येवर संघ आज स्थिरावला जातोय, विसावला जातोय. उरलेल्या 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. पाहूया येणाऱ्या काळामध्ये हीच फलंदाजी सातत्याने होतंय का की एका बाजूने थांब संघासाठी दाखवून देतोय. सुदर्शी स्पर्धा तुम्ही पाहताय. राम वॉरियर्स फाउंडेशन प्रेझेंट्स ऑल गोवा धनगर प्रीमियर लीग 2023 हा रणसंग्राम रण धुरंधर क्रिकेट संघ इथे तगडी लढत देताना आपल्याला पाहायला भेटतायत. धनगर समाजाची एक मानाची स्पर्धा, अभिमानाची स्पर्धा, सन्मानाची स्पर्धा पाहायला भेटते. चांगला फटका, एका बाजून दिशा दिली आहे, सुंदर दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, तो 4 धावांसाठी. रिक्वेस्टिंग द कॅप्टन ऑफ विठ्ठल वॉरियर्स अँड कॅप्टन ऑफ वैभव वॉरियर्स बोथ दिस कॅप्टन टू प्लीज रिपोर्ट एट द कॉमेंट्री बॉक्स फॉर नेक्स्ट मॅच. विठ्ठल वॉरियर्स अँड वैभवी वॉरियर्स धावा होता इथे 14 धावा आहे. धावपलकावर 3 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. उरलेल्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल मैदानावर. येणाऱ्या 3 चेंडूंवर आघात होणं गरजेचं आहे, आक्रमण होणं हे गरजेचं आहे. जर तगडं आव्हान रचायचं असेल तर सुरुवातीच्या काळापासून अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स मी म्हणेन. शेतकरी 14 चेंडू याही वेळेला चांगली दिशा दिली आहे एका बाजूने. मिड ऑफ रिजनला चेंडू जाताना पाहायला भेटतोय. चेंडू थांबणार नाही, चेंडू ट्रबल होतोय, तो 4 धावांसाठी. सलगच्या 4 चेंडूवर अटॅक केलाय आणि सलग 3 चौकार येताना पाहायला भेटतात व सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय खेळाडू क्रिकेटचा अर्थातच कव्हर ड्राईव्हचा बादशाह आहे नावाने ज्याला संबोधलं जातं, त्या विराट कोहलीच्या जर्सी क्रमांकावर अर्थातच 18 धावसंख्येवर. उरलेल्या 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. पाहूया पुन्हा एकदा काय करतोय आपल्या संघासाठी. यावेळेला मात्र मी चालाय चेंडू एका बाजूने, माझ्याकडे धात मागली जाते. पाच चेंडूचा समाप्तीनंतर 18 धावा या धावपलकावर अशी ही मात्र रणनीती पाहायला भेटते. येणाऱ्या काळामध्ये चांगली रणनीती, आक्रमक रणनीती पाहायला भेटते. सातत्याने आक्रमण करून देखील चालणार नाही, थोडस संयमी क्रिकेट देखील दाखवावं लागेल. चांगल्या चेंडूंचा सन्मान करणं गरजेचं तर खराब चेंडूंवर प्रहार करणं गरजेचं आहे, अशी जी आहे ती क्रिकेटची अलिखित रणनीती आपल्याला पाहायला भेटते. तिन्ही पंच सुंदरशी कामगिरी करतायत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सन्माननीय सद्गिरी नाईक यांच्यासोबतच विदेश नाईक, नंतर पुण्या पालकर, हे तिन्ही पंच ऑफिशियल पंच, सुंदर कामगिरी त्यांची देखील. प्रारंभीच्या षटकातील अंतिम चेंडू मार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा. आडवेटने पटका, सुंदर पट्टा, स्क्वेअर लेग रिजनला चेंडू ट्रबल होता दिसून येतोय, तो सीमा पार. येतो एक दर्जेदार षटकार, देऊयात त्याला सुंदर अशा डीजेची सलामी.
चित्र पाहायला भेटतोय. राम वॉरियर्स फाउंडेशनचं एक मॅजिक पॉवर प्ले शतक, महत्वाचं शतक, सर्व खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. षटकातील पाचवा चेंडू मार्गस्थ आहे. विराज सज्ज या वेळेला चांगली दिशा दिली आहे. थर्डमॅन रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला भेटतोय. तो चार धावांसाठी विराजच्या बॅटमध्ये येतो एक चौकार आणि सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते या चौकारनिशी. ती म्हणजेच 33 धावा आहे धावपलकावर एका नेल्सन फिगरवर 33. पाच चेंडूंचा झालाय की समाप्त. षटकातील अंतिम चेंडू मार्ग असते. पुन्हा एकदा विराज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. याही वेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. क्षेत्ररक्षण घेतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण एका बाजूने केलंय. निर्धाव चेंडू निशी दुसऱ्या षटकाची सांगता होताना पाहायला भेटते. राम वॉरियर्स फाउंडेशनचं मॅजिक पॉवर प्ले षटक होतंय समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या ही मात्र स्थिरावली जाते ती 33 धावसंख्येवर. ही स्पर्धा आपण पाहता युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून. त्यांची टीम पाहायला भेटते, त्यांचा स्क्वॉड मनोज, राकेश, शुभम आणि रोहित, ही टीम मेहनत करते गेले 2 दिवस. आजचा दुसरा दिवस खऱ्या अर्थानं स्पर्धा यशस्वी करण्यामध्ये त्यांचं देखील सहकार्य, त्याचप्रमाणे लाईनमनचं देखील, प्रत्येक लाईनमनचं देखील सहकार्य. बरं, उन्हामध्ये त्यांची कामगिरी महत्वाची. अक्षय सज्ज होते गोलंदाजी मार्गवर. पाहूया आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून या तिसऱ्या षटकामध्ये कशा रीती कामगिरी करतोय. आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी संघाला थांबवून ठेवण्यामध्ये यश संपादन करतोय का, की येणाऱ्या कालखंडामध्ये फलंदाज हवी ठरत आहे ती मात्र येणारी वेळ या 6 चेंडूंमध्ये ठरवताना पाहायला भेटेल. तिसऱ्या षटकातील पहिला वहिला चेंडू हा मार्ग असताय फलंदाज सज्ज होतोय. आडवाटा फटका खेळण्याचा मानस, सुंदर फटका, कवर ड्राईव्हचा फटका, गॅपमध्ये फटका, प्रोटेक्शन नाही आहे तिथे आणि 4 धावा भेटतायत. एक लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका आणि सांघिक धावसंख्या या चौकारणीशी परावर्तित होते ती 37 या धावपलका 37 चौकारणीशी सुरुवात होते या तिसऱ्या षटकाची. सांगत देशील याच षटकाची अशीच व्हावी अशी इच्छा असेल त्यांच्या फलंदाजांची. षटकातील दुसरा चेंडू मार्ग असताय. पुलटा स्पर्धेचा चेंडू त्यावर केलाय, कडा प्रहार, गगनाला गवस्ती घालत चेंडू फरार वैता डायरेक्ट चंद्रार. येतो एक षटकार आणि सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित झाली आहे 43. धावपलकर 43. भैरू पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. षटक दिलं, तिसरा चेंडू मार्गस्थ असेल. आता मात्र आक्रमण केलंय प्रारंभीच्या 2 चेंडूंवर. याही वेळेला मात्र आता मात्र मिस होतोय. चांगले लाईन आणि लेनने आता मात्र गोलंदाजी करतोय. पुनरागमन केलंय गोलंदाजीने एका बाजूने. तिसऱ्या षटकातील तिसरा चेंडू हा मात्र निर्धाव जाताना पाहायला भेटतोय. उरुजीच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. पाहूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये वैरूची कामगिरी कशा रीती ठरते. दोन्ही बाजूने आक्रमण होतंय, चांगली कामगिरी फलंदाजच्या माध्यमातून. चांगला सन्मान दिलाय, सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला भेटतंय. शॉर्ट मिड ऑन रिझनला चेंडू जातोय. डीप मिडचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करेल तोपर्यंत एकच धाव. या एकेरी धावेनं सांघिक संख्या ही परावर्तित होते ती एका नेल्सन फिगरवर अर्थातच 44. 4 चेंडूंचा झाला की समाप्त. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. फलंदाज पुन्हा एकदा विराज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. पुलटस मध्येचा चेंडू त्यावर केलाय, कडा प्रहार लॉंगॉनच्या डोकीवरून चेंडू फरार गडग्या पार. येतो एक दर्जेदार षटकार. 50 गाठतोय संघ 50 धावा, अर्धशतक लागतंय पूर्ण संघाचं या मैदानावर. या तिसऱ्या षटकामध्येच चांगली कामगिरी फलंदाजच्या माध्यमातून. दोन्ही एंडवरून आक्रमण होतंय, दोन्ही फलंदाजांकडून आक्रमण होतंय, दोन्ही बाजूने आक्रमण होताना पाहायला भेटतंय. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू हा मार्गस्थ असेल. पुन्हा एकदा विराज सज्जतानं पाहायला भेटतंय. बाबा कशा रीती फिनिश करतोय हे षटक. याही वेळेला मात्र डाऊन द ट्रॅक मात्र बराच का चेंडू वेत आणि चेंडू काही थांबणार नाही. मिड ऑन वरून चेंडू ट्रबल होतोय तो. 6 धावांसाठी निश्चित रूपाने बॅक टू बॅक येत आहे 2 षटकार आणि सांघिक धावसंख्या ही 56 धावा धावपलकर 56. 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा होतोय के समाप्त आणि सलामीची बिनीची जोडी ही निश्चित रूपाने मैदानावर हवी ठरते ती एका बाजूने गोलंदाजांवर. डीजे कडून देखील अपेक्षा असेल एका सुमधुरशा संगीताची.
करण से जोतोय गोलंदाजी मार्कवर, षटकातील पहिला चेंडू, पहिला चेंडू मिस होतोय नक्कीच फलंदाजीला, एका बाजूने बहिर वेला, चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू मात्र निर्धाव जातोय तो करण याचा, चांगली कामगिरी आता मात्र सुरुवात चांगली केली आहे, एक कमबॅक करणार षटक अपेक्षित असेल आणि एका दुसरा ब्रेक थ्रू देखील गरजेचा आहे, जर विजयाशी संपादन करायचं असेल तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून कार्य करावं लागेल आणि थांबवून ठेवावं लागेल फलंदाजीना। षटकातील दुसरा चेंडू, आक्रमण केलंय सुंदर फटका ह्याही वेळेला पाहायला भेटतो, क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली आणि ज्या ब्रेक थ्रूची गरज होती खऱ्या अर्थाने तो ब्रेक थ्रू दिला आपल्या षटकामध्ये, सुंदर गोलंदाजीचा नजराना एका बाजूने करणने पेश केला आणि सलामीर फलंदाज बैरू मात्र माघारी परतताना पाहायला भेटतो। देऊया त्याला निरोप सुमधुरश या संगीताच्या माध्यमातून डीजे। षटकातील तिसरा चेंडू मार्गस्थ आहे फलंदाज सज्ज होताना पाहिलं भेटतोय, सुंदर गोलंदाजीचा नजराना एका बाजूने पेश केलाय तो करण येणे, षटपदेचा चेंडू चांगला फटका खेळून काढलाय एका बाजूने, क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एकच धाव, एकर धावेने आपलं वैयक्तिक खातं ओपन केलंय व या सांघिक संख्येत भर पडते, एकर धावेने शेती म्हणजेच 57 धाव आहे धावपलकर 57। उरलीच्या तीन चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी असेल, षटकातील चौथा चेंडू हा मार्ग असाय, पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज होताना पाहायला भेटतोय आणि विराजकडे क्षमता आहे आक्रमण करण्याची, प्रत्येक सामन्यामध्ये आक्रमण केलंय याही सामन्यामध्ये तुटून रूपाने या फेला, मात्र पंच येतोय दुनिया समांतर करून सुरेश चेंडूचा इशारा, एक शिक्षक उपच बाहेर चेंडू पाहायला भेटतोय, अवंतरच्या स्वरूपात एकेर धावांना सांघिक संख्या ही परावर्तित होती ती 58 धावा आहे धावपलकर 58, लॉस ऑफ वन विकेट, उरलच्या तीन चेंडूचा खेळ बाकी, षटकातील चौथा चेंडू मार्गस्थ आहे फलंदाज सज्ज, यावेळेला मात्र आडू भेटण्यात सुंदर फटका येतोय गगनाला कबस्ती करणारा फटका, चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला भेटतो तो सी मारे का पार सहा धावांसाठी येतो एक षटकार। चार चेंडूंचा होतोय के समाप्त, 64 धावा या धावपलकावर लकवले जात आहे 64, लॉस ऑफ वन विकेट, पुढच्या दोन चेंडूंचा खेळ हा अजूनही बाकी असेल मैदानावर, चौथ्या षटकामध्ये केला कामगिरी करतोय फलंदाज विराट, प्रत्येक षटकामध्ये आक्रमण करतोय जबाबदारीने परिपक्व क्रिकेट दाखवून देतोय मैदानावर, षटकातील पाचवा चेंडू हा मार्गस्थ असेल, 30 रन इथे सातत्याने राहते आक्रमण करायचा प्रत्येक चेंडूवर, फटका मात्र नक्कीच पसतोय क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली, जल टिपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आणि त्यात मात्र यश लाभताना पाहायला भेटतंय, सुंदर शतक मी म्हणे आता आलं एका बाजूने करण येणे, दोन महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिले आहेत गरजेचे होते मैदानावर, सलामीर फलंदाजीने मात्र पॅव्हिलियनचा रास्ता दाखवलाय। सायराज सज्जतन दिसून येतोय, षटकातील अंतिम चेंडू मार्गस्थ आहे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, एक पाचवा चेंडू याही वेळेला पाहायला भेटतोय का, पंचांकडे लक्ष असेल, पंचायत दुनिया समांतर करून इशारा सर चेंडूचा, पंचायत शाहरुख खान पोज मध्ये एका बाजूने आणि 7-12 नोंद होते एक धावेची व सांघिक संख्या ही परावर्तित होताना पाहायला भेटते ती म्हणजेच 65 धावा आहे धावपलकर 65, लॉस ऑफ टू विकेट, यावेळेला मात्र आडवेटने फटका, फटका जर उपसते पुन्हा एकदा धोक्याची घंटा, स्वतः गोलंदाज येतोय चेंडूच्या खाली आणि या षटकामध्ये तीन ब्रेक थ्रू दिले आहेत आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून, सुंदर गोलंदाजीचा नजराना एका बाजूने थांबवून ठेवणारी, रोखून धरणारी, जखडून ठेवणारी, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवणारी ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली या चौथ्या षटकामध्ये, चार षटकांचा 24 चेंडूचा झाला काही समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या मात्र 66 या धावसंख्या स्थिरावली जाते 66।
गोलंदाजी करतोय हैदराबाद. पहिल्या चेंडूवर मात्र अंतिम षटकातील निर्धाव जाताना पाहायला भेटतोय. पव्या उर्वरितच्या पाच चेंडूंवर देखील हीच गोलंदाजी सातत्यानं करेल का की एका बाजूने फलंदाज साईराज अभि ठरेल. षटकातील दुसरा चेंडू अमार्गस्त आहे. पुढे करण्याचा मानस या वेळेला मात्र इष्टरक्षकाची चपळाई निश्चित रूपाने पाहायला भेटते एका बाजूने. आणि फलंदाजाला मात्र पॅव्हिलियनचा रस्ता दाखवला. इष्टरक्षकाची चपळाई अगदी एम एस धोनी स्टाईल स्टंपिंग घेतलंय मैदानावर. अंतिम दोन स्लॉगवरच्या षटकामध्ये मात्र सुंदर गोलंदाजीचा नजराणा एका बाजूने पेश केलाय गोलंदाजांना. न्यू बॅटर तुषार मैदानात पावलं टाकतोय. पव्या काय करतोय येणाऱ्या कालखंडामध्ये या चार चेंडूंमध्ये आपल्या संघासाठी चांगलं फिनिश अपेक्षित असेल. तर चौथ्या षटकामध्ये आपला संघ हा बॅकफुटवर गेलाय. त्या संघाला जर फ्रंटफुटवर आणायचं असेल तर निश्चित रूपाने या चार चेंडूंवर दोन मोठे फटके ही अतिआवश्यक बाब. षटकातील तिसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेला तर चांगला फटका स्टेट देवचा फटका कार्पेट पद्धतीचा फटका पाहायला भेटतो. एकर दावीची पबल ही मात्र एकर दावीने बहुधा संतुष्ट होताना पाहायला भेटते. एक दावीनं सांघिक संख्या ही परावर्तित होते ती म्हणजे 67 धावा आहे धावपलक 67. उरदीच्या तीन चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी असेल आणि तीन चेंडूंमध्ये फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. जानू सचेतन दिसून येतो. यावर मात्र स्लोअर पद्धतीचा चेंडू गती मिश्रण करून टाकणारे गोलंदाजी चांगल्या गोलंदाजीचा मुजरा एका बाजूने पेश केलाय. चार चेंडूंमध्ये मात्र एकच धाव खर्च केली. एक महत्वाचा ब्रेक थ्रू देखील दिलाय. सुंदर गोलंदाजीचा नजराणा मी म्हणेन. अंतिम षटकातील उर्वरितच्या दोन चेंडूंचा खेळ बाकी. पाहूया येणार काळात या दोन चेंडूंवर एक मोठा फटका येतोय का आपल्या संघासाठी आणि आपला संघ सत्तरी गाठतोय का. चार चेंडूचा होतोय का समाप्त. पहिल्या चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवर विकेट, तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव, चौथ्या चेंडूवर निर्धाव चेंडू. ओके तीन चेंडूंचा होतोय की समाप्त. उर्वरितच्या तीन चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल मैदानावर. षटकातील चौथा चेंडू चांगली दिशा दिली आहे लॉंग लेग रिजनला. कॅप मध्ये फटका चेंडू ट्रबल होता दिसून येतोय. तो सीमा पार चार धावांसाठी. 72 धावा धावपलकर 72. आता मात्र चार चेंडूचा झाला की समाप्त. उरलेल्या दोन चेंडूंचा खेळ हा अजूनही बाकी असेल. मॅटर सज्जतना पाहायला भेटतोय. आता मात्र आक्रमण करतोय आपल्या संघासाठी तो जानू एका बाजून सज्ज. यावेळेला मात्र चांगली दिशा दिली आहे शॉर्ट मिड विकेट रिजनला. एक धाव पूर्ण, जोखमीचे दुसरे धाव करण्याचा प्रयत्न आणि दोन धावा देखील पूर्ण होताना पाहायला भेटतोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या दुवेर धावेनं सांघिक संख्या ही परावर्तित होते ती 74 धावा या धावपलकर 74. आणि इनिंगची सांगता करणारा, पहिल्या डावाची सांगता करणारा चेंडू हा मार्गस्थ आहे. फलंदाज सज्जतना पाहायला भेटतोय. पव्या ह्या अंतिम चेंडूवर कशा रीती कामगिरी करतोय. पुलटस मध्येचा चेंडू चांगला फटका, चांगली दिशा दिली आहे एका बाजून स्क्वेअर लेग रिजनला. एक धावेची पावलं ही जोखमीच्या दुसऱ्या धावेकडे वळत आहे. मात्र दोन फलंदाज तालमेल एका बाजून निश्चित रूपाने चुकताना पाहायला भेटतोय आणि खेळाडू मात्र धावचेच्या स्वरूपात बागारी परतोय. मग निश्चित रूपाने एकच धाव प्राप्त होते व सांघिक संख्या ह्या एकर धावेने परावर्तित होते ती म्हणजेच 75 धावा या धावपलकावर. तर विजयासाठी 76 धावांचा पाठला करायचा. 76 रन्स नीडेड इन जस्ट 30 डिलिव्हरीज. येणाऱ्या काळामध्ये काय होतंय, काय घडतंय, काय घडू शकतं, काय घडणार नाही हे अगदी डिटेलमध्ये सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक मिस्टर सुमेध कासेकर इन दिस साईड गोलंदाबाद.
धन्यवाद मंथन परब। शाम के वक्त में फिर एक बार कमेंट बॉक्स में से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मुकाबला अगर देखा जाए तो समर्थ स्ट्राइकर बना हुआ सावी क्रिकेटर्स के बीच में 75 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जड़े समर्थ स्ट्राइकर क्रिकेट टीम ने और 76 रन का टारगेट सावी क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम के सामने। और इस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर ओपनिंग पेयर ओपनिंग बैटर्स सावी क्रिकेटर्स टीम की तरफ से सावे क्रिकेटर्स अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द भेजिए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर गीतेश स्ट्राइक गेंद के ऊपर बैटर भैरु गेंदबाजी मोर्चे पर इस सेकेंड इनिंग का आगाज करने के लिए पहला मैंडेटरी पावर प्ले कवर लेकर पहले गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला मिड अपर गेंद निकली जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक एक रन इस गेंद पर सिंगल अच्छा निकला इस गेंद पर क्योंकि कॉलिंग अच्छा निकला था और कॉलिंग अच्छे के साथ एक रन इस गेंद पर अमर के बल्ले से सिंगल निकला इस गेंद पर 76 रन के टारगेट का पीछे एक बड़ा टारगेट सामने एक और से आपको अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी मैदान पर इस मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में से ही। और पहले रन के साथ स्ट्राइक रोटेड हुए स्ट्राइक गेंद के ऊपर अब गीतेश बैटर इस बार शॉर्ट गेंद हुक किया इस गेंद को गेंद निकले डीप फाइन लेग के रीजन में दो फील्डरों के बीच में से गोली की रफ्तार बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन के लिए पहला चौका बल्लेबाज गीतेश के बल्ले से। शॉर्ट गेंद डाउन द लेग स्टंप का भी बाहर जाने वाले गेंद थी सिर्फ दिशा दी इस गेंद को बल्लेबाज गीतेश ने और एक अच्छा शॉट 4 रन के लिए 5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 76 रन का जवाब पहला ओवर जो कि भैरु के द्वारा। इस बार शॉर्ट गेंद हुक किया फिर एक बार डीप लॉन्ग लेग के रीजन में इस गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए शॉर्ट गेंद थी खराब गेंद और उस पर एक क्रैकिंग छक्का बल्लेबाज गीतेश के बल्ले से मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जिसमें फायदा उठाने की कोशिश सफल होते हुए लगातार के 2 गेंदों पर 10 रन गीतेश के बल्ले से निकले और स्कोर अगर देखा जाए तो 11 रन नेल्सन फिगर के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी फिर एक बार जड़ में गेंद डाली बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बड़ा ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाज भैरू के द्वारा पिछली गेंद दो बड़े शॉट लेकिन उसके बाद डॉट गेंद के साथ फिर एक बार वापसी गेंदबाज भैरु के इस ओवर में टीम का स्कोर 11 रन। इस बार शॉट गेंद मिस टाइम कर बैठे पुल करना चाहते थे विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाके रुकेगी पहला विकेट का पतन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर हुआ लेकिन प्रयास अगर देखा जाए तो असफल रहता हुआ बैट का टॉप पेज लगकर विकेट कीपर के दस्तर में एक आसान सा कैच भरा पहले विकेट का पतन हुआ पहला ब्रेक थ्रू हासिल किया अपने टीम के लिए भैरु इस गेंदबाज ने 11 रन एक विकेट के नुकसान पर हालात स्कोरबोर्ड के ऊपर 76 रन का पीछा मैदान पर और अच्छी गेंदबाजी वापसी के तौर पर सफलता हासिल किया अपने टीम के लिए गेंदबाज भैरु ने। नया बल्लेबाज अब मैदान पर इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी भैरु गेंदबाजी मोर्चे पर स्ट्राइक गेंद के ऊपर तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज दीपक इज ऑन स्ट्राइक नाउ। पहले गेंद यॉर्कर जड़ में गेंद डाली सटीक यॉर्कर बल्लेबाज दीपक बैक टू द पवेलियन 0 रन बनाकर वापस लौटे जिस पास बल्लेबाज की तरफ निगाहें थी सभी दर्शकों की सभी खिलाड़ियों की जिसके पास क्षमता थी ताकत थी बड़े शॉट लगाने के वो बल्लेबाज इस बार निराश करके वापस लौटा हुआ डगआउट की तरफ 0 रन बनाकर दूसरे विकेट का हुआ पतन भैरु ने अपने गेंदबाजी में निश्चित तौर से प्रभावित किया इस पहले मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में दो सफलता अपने टीम के लिए हासिल की। अब तक स्कोर देखा जाए तो एक ओवर के बाद 11 रन दो विकेट के नुकसान पर यस डीजे
सेकंड पावर प्ले का ओवर महत्वपूर्ण है। ओवर गेंदबाज विराज गेंदबाजी पर, जड़ में गेंद, पहली गेंद सटीक किया यॉर्कर, फिर एक बार प्रयास गेंदबाज विराज का, और जिस गेंदबाज का बर्मास्त माना जाता है वो गेंद इस बार यॉर्कर, सटीक यॉर्कर निशाने पर गेंदबाजी। पिछले ओवर की आखिरी गेंद सटीक यॉर्कर रख दे, अगर देखा जाए तो दीपक की गिल्या उखाड़ दी थी गेंदबाज भैरू ने, और इस दूसरे ओवर की भी शुरुआत डॉट गेंद के साथ, लेकिन इस बार आउटसाइड लेग स्टंप काफी बाहर जाने वाले गेंद पर कैशर व्हाइट का था, वह अतिरिक्त रन सामने वाली टीम को देते हुए गेंदबाजों की विराज, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 76 रन का पीछा, एक बड़ा टारगेट 9 गेंद के ऊपर नया बल्लेबाज जो कि राजेश, फिर एक बार शपल क्रॉस ऑन साइड पर शॉट खेलना चाहते थे जो कि डीप फाइन लेग के रीजन में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, तेज तरार गेंदबाजी जो कि विराज के द्वारा गेंद निकली जो कि विकेटों के ऊपर, विकेटों के विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद निकली बगैर किसी रन के साथ, डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर फिर एक बार 12 रन के ऊपर। आपको रन चलाने होंगे मैदान के भीतर, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन लगातार की दूसरी गेंद डॉट निकली। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अब तक अपने टीम के लिए जो कि विराज, सटीक टप्पे के ऊपर सामने वाले बल्लेबाज को जखड़ कर रखा बड़े शॉट खेलने से, प्रयास जरूर होता हुआ अमर के द्वारा, लेकिन हर एक गेंद अगर देखी जाए अब तक डॉट निकलते हुए। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, हुक किया इस गेंद को, गेंद निकली शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से डीप थर्ड मैन के रीजन में काफी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी देर के बाद एक चौका इस पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाज अमर के बल्ले से, और उस चौके के साथ अब स्कोर देखा जाए तो 16 रन, 16 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स, महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ इस पावर प्ले के ओवर में, जिस पावर प्ले के ओवर में अब तक बल्लेबाज को जकड़ कर रखा था, इस बार किस्मत का यह चौका। शॉर्ट गेंद, दिशा दी इस गेंद को, शपल क्रॉस खेला इस गेंद को डीप लॉन्ग लेग के रीजन में, फिर एक बार एक अच्छा शॉट अमर के बल्ले से बैक टू बैक चौके मैदान पर निकलते हुए अपने टीम के लिए, और चौके के साथ अब स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। शुरुआती के गेंदों पर अगर देखा जाए तो बल्लेबाज को रोक रखा था बड़े शॉट खेले से, लेकिन इस बार हाफ वाली गेंद थी, ट्रैकर हाफ ट्रैकर थी, उस पर एक क्रैकिंग चौका जो कि डीप लॉन्ग लेग के रीजन में। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, शॉर्ट अंपल का शॉट ऑन सेट पर डीप काउ कॉर्नर पर गेल, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, लगातार का ये तीसरा चौका, दो ओवर का खेल हुआ खत्म, रन संख्या 12 के रन रेट के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 76 रन का जवाब आने वाले 18 गेंदे, और जीतने के लिए अभी भी 52 रन की जरूरत इस मुकाबले में, 52 रनों की जरूरत। अमर के बल्ले से लगातार के तीन चौके इस अपने टीम को एक्सेलरेट करते हुए इस स्कोर में अब तक 24 रन 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। विराज के आखिर के तीन गेंदों पर तीन चौके, महंगा ओवर निकला जो कि पावर प्ले का दूसरा ओवर। दो ओवर के बाद पावर प्ले हटा हुआ, और फिर एक बार फील्डिंग जो कि अगर देखी जाए तो डीप में मौजूद, डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट, डीप के अलावा वाइड स्लॉन्ग एंड उसके साथ डीप वाइड स्लॉन्ग अप, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद। गेंदबाजी पर बदलाव जो कि तीसरे ओवर में मधु है गेंदबाज, गेंदबाजी ट्रैक पर सामने जो कि राजेश, इस ओवर के पहले गेंद खेलने के लिए, इस इनिंग के पहले गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक गेंद के ऊपर दिखाई देते हुए डेड गेंद, अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स में, थोड़ी सी दिक्कत बल्लेबाज के लिए, उसी के साथ गेंदबाज ने अपना रनअप पर रुकवाया, फिर एक बार अपने गेंदबाजी मोर्चे पर रेडी रहेंगे गेंदबाज जो कि मधु उस ओवर में। तीसरा ओवर जारी, 18 गेंदे और जीतने के लिए अभी 52 रनों की जरूरत। इस बार काफी दूर से इस शॉट को खेलना पसंद किया था बल्लेबाज राजेश ने, गेंद पड़ने के बाद नीचे रही विकेट कीपर के दस्तर में बगैर किसी रन के साथ, डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई इस तीसरे ओवर की भी, एक सबमरीन डिलीवरी जिस इस ओवर में गेंदबाज मधु के द्वारा, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज राइट हैंडर गेंदबाज बल्लेबाज के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, नेचुरल स्विंग जो कि पड़ने के बाद बाहर निकलते हुए, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो कि मधु फिर एक बार चले राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकली लॉन्ग स्टॉप के रीजन में काफी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, किस्मत का चौका फिर एक बार बल्लेबाज राजेश के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके के साथ अब स्कोर देखा जाए तो 28 रन 28 रन लॉस ऑफ 2 विकेट।
तीसरा ओवर जा रही, पहले गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप डॉट निकाले, उसके बाद गेंद अगर देखी जाए तो मिडल स्टिक पर डालने चाहते थे और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर गेंद निकले विकेट कीपर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन में, चार रन के लिए 28 रन। बड़े शॉट खेलने का प्रयास मैदान पर राजेश के द्वारा, इस बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तरों में, आसान सा कैच विराज के लिए, तीसरे विकेट का हुआ पतन, एक चौका जरूर लगाया बल्लेबाज राजेश ने, लेकिन ये पारी अगर देखी जाए तो अपने टीम के लिए सफलता नहीं देने वाली, आउट होकर वापस डग आउट की तरफ, तीसरे विकेट का पतन, अच्छी गेंदबाजी जो कि मधु के द्वारा अपने टीम के लिए सफलता हासिल की इस ओवर में, 28 रन तीन विकेट के नुकसान पर, 76 रन का जवाब मैदान पर, 76 रन के टारगेट का पीछा। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का, राम वॉरियर्स फाउंडेशन इनके ओर से ऑर्गेनाइज की गई ऑल गोवा धनगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 इस नए साल की एक अच्छी प्रीमियर लीग प्रतियोगिता टेनिस क्रिकेट की, इस मैदान पर आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का, काफी तादाद में दर्शक मौजूद इस मैदान पर, उसके साथ टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से यूट्यूब पर भी काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े गए, उस सभी दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार शॉट खेला लॉफ्ट एड शॉट लॉन्ग अप पर फील्डर मौजूद, लगातार की दूसरी गेंद पर सफलता मधु के नाम, अच्छी गेंदबाजी सफलता पूर्वक गेंदबाजी, चौथे विकेट का पतन, गोल्डन डक के शिकार बल्लेबाज महेश वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ, निराश करते हुए बल्लेबाज जो कि आप महेश अपने टीम के लिए, पिछले गेंद पर राजेश लौटे उसके बाद महेश, दो बल्लेबाज लगातार के दो गेंदों पर दो विकेट डालकर वापस मैदान के बाहर डगआउट की तरफ, 28 रन अब तक, चार विकेट के नुकसान पर, 76 रन के टारगेट का पीछा। आपको मैदान पर आखिरी गेंद पर समय बिताना होगा, आखिरी गेंद पर रहना होगा मैदान के भीतर, अगर 76 रन का पीछा आसानी के साथ करना है, सफलता के साथ करना है, तो एक ओर से सेंसिबल क्रिकेट, दूसरी ओर से अटैकिंग क्रिकेट सामने वाले गेंदबाजों के खिलाफ, आपको गेंदबाजों के ऊपर हावी होना होगा। और नया बल्लेबाज फिर एक बार स्ट्राइक पर, शॉट अंपल का शॉट, इस टाइम करे बैठे कैच का मौका, फ्री हिट का और हैट्रिक की गेंद थी, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरी, मिड ऑन पर जब तक फील्ड करते तब तक दो रन इस गेंद पर, और काफी देर के बाद जो रन संख्या रुकी थी तो आगे बढ़ते हुए 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार आखिरी गेंद पर दो रन के साथ टीम का स्कोर जो कि तीन ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 32 रन 32 रन चार विकेट के नुकसान पर। के रूप में एक रन खाते में जुड़ेगा सिंगल के साथ, फिर एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 33 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर चार विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर स्लॉग ओवर, इस ओवर में आपको एक ओर से अटैकिंग बल्लेबाजी काफी जरूरी है, अटैक इज बेस्ट डिफेंस, आक्रामकता ही बचाव का साधन। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो 76 रन का पीछा, आने वाली 11 गेंदें और 43 रनों की जरूरत। स्ट्राइक इन के ऊपर फिर एक बार बल्लेबाज जो कि करना दिखाई देते हुए, इस बार स्लोअर वन गेंद मिस टाइम कर बैठे, लेकिन गेंद निकलेगी डीप लॉन्ग लेग के रीजन में, नो मैच लैंड में गेंद गिरी, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37 रन। बल्लेबाज को निश्चित तौर से फंसाया था इस गेंद पर, स्लोअर वन गेंद थी, उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर, लेकिन अगर शॉट देखा जाए तो नो मैच लैंड में डीप लॉन्ग लेग के रीजन में चार चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर।
इस बार जड़ में गेंद ऑन साइड पर, इस गेंद को खेला तेजी के साथ, गेंद निकली जो कि मिड विकेट रीजन में, डीप में फील्डर मौजूद जानू जब तक फील्ड करते तब तक एक रन इस गेंद पर, सिर्फ सिंगल निकला इस गेंद पर, सिंगल के साथ 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 38 रन अब तक, चार विकेट जो गिरे हैं, तो लगातार के चार विकेट मैदान पर अगर रुक सकते थे निश्चित तौर से इस टारगेट का पीछा आसानी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ताकत थी चारों ही बल्लेबाजों के बल्ले में, वो बल्लेबाज वापस लौटे के बाद अच्छा क्रिकेट मैदान पर, सिंगल के साथ स्ट्राइक पर इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड पर आड़े बल्ले के साथ, मिड विकेट पर गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए जिस शॉट के तलाश में थे बल्लेबाज, वो शॉट निकलता हुआ 6 रन के लिए, अमर के बल्ले से 6 रन, और इस 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, नेल्सन फिगर स्कोरबोर्ड के ऊपर 44, 4 विकेट पर, फिर एक बार फ्लिक का शॉट, गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन निकलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, दर्शक बनकर रह गए फील्डर, और लगातार के 2 छक्के, और उसी के साथ स्कोर अगर देखा जाए तो सावी क्रिकेटर्स टीम का स्कोरबोर्ड के ऊपर 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, मैदान पर अमर के बल्ले से लगातार के 2 छक्के इस मुकाबले में वापसी कर देने वाले, 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, अभी भी जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत आने वाली 7 गेंदों पर, इस ओवर के आखिरी गेंद स्ट्राइक गेंद के ऊपर, फिर एक बार अमर ये बल्लेबाज, शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर, इस गेंद को खेला मिड विकेट पर, गेंद निकली जब तक डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आते, अच्छी फील्डिंग, सिंगल इस गेंद पर, आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ, 4 ओवर के बाद स्कोर जो कि 51 रन, 51 रन अब तक, 4 विकेट के नुकसान पर, जीतने का फासला अगर देखा जाए तो आने वाली 6 गेंदें 51 रन, आने वाली 6 गेंदें, और जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की जरूरत, आखिरी ओवर लेकर नया गेंदबाज गेंदबाजी मोर्चे पर, फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ, ताकतवर शॉट, वाइड लॉन्ग ऑफ, प्रदीप में फील्डर थोड़े से फंबल हुए जरूर, और उसका नतीजा अगर देखा जाए तो जिस गेंद पर एक रन था उस गेंद पर 2 रन निकले, निखिल के इस पहली गेंद पर 2 रन, 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब 53 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, आने वाले 5 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत इस मुकाबले में, बड़े शॉट आपको लगाने होंगे, ताकत आपको मैदान पर दिखाने होगी इस मुकाबले में, सावी क्रिकेटर्स टीम अभी भी जीतने के लिए 5 गेंदे 23 रन, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, तेज तरार शॉट लॉन्ग ऑफ पर, सिर्फ सिंगल इस गेंद पर, अच्छी गेंद पर सिर्फ सिंगल मिला बल्लेबाज अमर को, प्रयास जारी है बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन उसी के साथ सामने से अगर देखा जाए तो तेज तरार गेंदबाजी निखिल के द्वारा होते हुए, सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 54 रन, लोअर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार मिस टाइम कर बैठे बल्लेबाज, सिंगल मिलेगा शॉट मिड ऑफ पर, जब तक फील्ड करते तब तक एक रन इस गेंद पर, और सिंगल के साथ अब 55 रन, 55 रन, जीतने के लिए आने वाले 3 गेंदे और 21 रन की जरूरत, बड़े शॉट काफी महत्वपूर्ण, सिंगल डबल निश्चित तौर से आने वाले वक्त में आपको जीत हासिल नहीं कर दे सकते, बड़े शॉट आपको लगाने होंगे, 3 गेंदे 21 रन, लोअर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार जड़ में गेंद डाली ऑन साइड पर, गेंद निकली शॉट मिड ऑन पर, जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक सिंगल इस गेंद पर, मिलते हुआ बल्लेबाज अमर को, लक्ष्य 76 रन का पीछा करा था, एक ओर से अमर की अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो विकेट का सिलसिला जो बरकरार रखा था सावी क्रिकेटर्स टीम ने, वो विकेट का सिलसिला इस टीम को निश्चित तौर से इस मुकाबले में हार देने में काफी महत्वपूर्ण रहती हुई। आखिरी गेंद शॉट, अंबुल का शॉट डीप काउ कॉर्नर पर, छक्के के साथ
स्कोर अगर देखा जाए तो 62 रन 62 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, और इस मुकाबले में 13 रन से हारते हुए सावी क्रिकेटर्स टीम 76 रन का अच्छा तरीके के साथ डिफेंस हुआ। आखिरी ओवर में भी एक विकेट चटका गेंदबाज निखिल है,